दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बरसों से काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव का विवाद चल रहा था और इस विवाद को देखकर किसी को नहीं लग रहा था कि फिर से कभी काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव एक साथ नजर आएंगे। लेकिन कई वर्षों का विवाद मिनटों में खत्म हो गया और फिर से ये लोग दोस्त बन गए और दोनों लोग खुश है मिलकर। खेसारी लाल यादव भी खुश है, काजल राघवानी भी खुश है। लेकिन कभी कभी इंसान इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि खुशी का ठिकाना नहीं होता है और कभी कभी उसी खुशी में कुछ उल्टा सीधा भी बोल जाता है इंसान। और कल वही देखने को मिला। कल काजल राघवानी का जन्मदिन था और उनके जन्मदिन के अवसर पर भोजपुरी के बहुत सारे स्टार लोग बधाई दिए। उन्हीं में से एक है खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव भी अपना और काजल राघवानी का एक फोटो शेयर किए और पोस्ट किए और उस पर लिखे, हैप्पी बर्थडे टू यू काजल राघवानी, आप ऐसा ही खुश रहिए। उसके बाद जानते हैं उसी पोस्ट के नीचे कमेंट में काजल राघवानी जवाब देती है कि थैंक यू सो मच खेसु। जी हाँ, थैंक यू सो मच खेसु, और आप भी ऐसे ही खुश रहिए मेरे दोस्त, काजल राघवानी का रिप्लाई जाता है। और जानते हैं खेसारी लाल यादव को खेसारी नहीं बोली है बल्कि खेसु बोली है काजल राघवानी। और खेसु इसलिए बोली है क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारा ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें खेसारी लाल यादव काजल राघवानी के साथ जब भी मस्ती मजाक करते हैं सेट पर तो काजल राघवानी को कज्जू बोलते हैं और काजल राघवानी खेसारी लाल यादव को खेसु बोलती है। और वही मस्ती मजाक आज के डेट में फिर से ये लोग करने लगे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि ये दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा खुश है एक दूसरे से मिलकर और फिर पुराना अंदाज में नज़र आ रहे हैं। फिलहाल काजल खेसारी के बारे में आपका राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।